सो दोस्तों कैसे आप सब, आई होप आप लोग बहुत ही मस्त होंगे। दोस्तों इन्फिनिक्स में बहुत सारे आपने फोन देखा जो कि 4G वर्जन में आपको देखने को मिला, लेकिन दोस्तों इस बार दोस्तों इन्फिनिक्स चेंजिंग करने जा रहा है। इन्फिनिक्स में पहली बार दोस्तों इंडिया में आपको 5G फोन देखने को मिलेगा, इन्फिनिक्स 011 5G फोन। जी हाँ दोस्तों, इन्फिनिक्स का 5G फोन लॉन्च होने जा रहा है, वो भी दोस्तों बहुत जल्द ही आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस इन्फिनिक्स फोन में क्या न्यू फीचर एड्स हुए हैं और दोस्तों ये किस स्टेट को लॉन्च किया जाएगा, क्या प्राइस होने वाला, क्या फीचर है, दोस्तों सारे डिटेल्स दोस्तों आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाले दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी टाइम के वेस्ट किए और बिना किसी इंट्रो को स्टार्ट कर लेते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो दोस्तों बात करने वाले हैं यहाँ इन्फिनिक्स 011 5G फोन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस समय इन्फिनिक्स काफी सारे फीचर को चेंज किया है और दोस्तों एक 5G फोन लॉन्च किया है। अभी दोस्तों पावरफुल 5G प्रोसेसर गेमिंग वाला फोन, तो दोस्तों ये फोन काफी ज्यादा बेटर होने वाला है। तो इसकी डिटेल्स चलिए दोस्तों स्टेप बाय स्टेप आपको बता ही देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों फोन की डिजाइन का बात कर ले तो दोस्तों इसकी डिजाइन भी आपको काफी बेटर देखने को मिलने वाली है। दोस्तों इसमें आपको बैक साइड पे ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा, साइड साइड में दोस्तों काफी कमाल का डिजाइन देखने को मिलेगा और नीचे पे आपको दोस्तों यहाँ पे इन्फिनिक्स का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। तो डिजाइन वाइज फोन काफी ज्यादा बेटर देखने को आपको मिलने वाली है। वही दोस्तों बात कर लेते फोन के डिस्प्ले साइज का, तो इस बार दोस्तों 6.8 इंच का FHD एलमोड पैनल वाला डिस्प्ले आपको देखने को मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों इस फोन में आपको 120 हर्ट्ज के रिफरेंस के साथ ये फोन आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है दोस्तों डिस्प्ले में आपको गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी दिया जाए, लेकिन दोस्तों अभी ये कंपनी की तरफ से कंफर्म नहीं हुआ है। दोस्तों फोन के बैकअप यानी दोस्तों बैटरी बैकअप का, तो इसमें 5000 mAh का बैटरी बैकअप, 18 वाट का फास्ट चार्जिंग दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों इसमें चार्जिंग के मामले में दोस्तों थोड़ा फोन वीक हो सकता है। साथ ही दोस्तों आपको USB Type-C पोर्ट, ऑडियो जैक 3.5 mm, आउट ऑफ बॉक्स Android 11 देखने को मिलेगा, लेकिन कंपनी की तरफ से ये बताया जा रहा है बहुत जल्द ही दोस्तों आपको Android 12 वर्जन भी आपको देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों फोन के एक्स्ट्रा फीचर के, तो यहाँ इन्फिनिक्स की तरफ से दोस्तों XOS 10 सपोर्ट देखने को मिलेगा। बात कर लेते दोस्तों फोन के कैमरा वाइज का, तो दोस्तों यहाँ पे बैक साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिलेगा, जिसका कैमरा वाइज हो सकता है दोस्तों 50 मेगापिक्सल का आपका कैमरा बैक साइड में देखने को मिले और 16 मेगापिक्सल का दोस्तों फ्रंट साइड में देखने को मिले। लेकिन दोस्तों कंपनी की तरफ से ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों 5G के अनुसार दोस्तों इतना कैमरा आपको देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं दोस्तों इन्फिनिक्स 5G फोन में क्या फीचर इंप्रूव करता है। दोस्तों फोन के स्टोरेज का, तो यहाँ पे आपको फोन दो टाइप में देखने को नजर आएगा, 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज, दूसरा दोस्तों 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज। बात कर लेते हैं दोस्तों फोन के परफॉर्मेंस वाइज का, तो यहाँ पे मीडियाटेक डायनेस्टिक 900 5G सपोर्टेड प्रोसेसर देखने को मिलता है। यहाँ पे दोस्तों कोई भी गेमिंग हार्ड गेमिंग को रन करते हैं दोस्तों तो कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं आएगी। जैसे दोस्तों मल्टीटास्किंग, फ्री फायर, पबजी, कोई भी गेम अगर आप इसमें रन करते हैं दोस्तों तो कहीं भी लैग की संभावना भी नहीं होने वाली है। इस बार दोस्तों इन्फिनिक्स प्रोसेसर काफी हार्ड इम्प्रूव किया है, जिसमें दोस्तों आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो प्रोसेसर वाइज दोस्तों फोन आपका बहुत ही ज्यादा बेटर देखने को नजर आने वाला है। बात कर लेते हैं दोस्तों फोन का प्राइस का, तो दोस्तों 5G के अनुसार दोस्तों इसका प्राइस थोड़ा हाई देखने को मिल सकता है, लेकिन कंपनी की तरफ से ये अभी लीक्स नहीं आया दोस्तों कि इसका प्राइस कितना होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों फोन का लॉन्चिंग डेट का, तो दिसंबर के लास्ट डेट तक ये फोन आपको देखने को मिल सकता है, या दोस्तों ये नेक्स्ट ईयर में भी ये फोन लॉन्च हो सकता है। बहुत जल्द ही ये फोन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आपका क्या ख्याल है दोस्तों, इसका प्राइस इंडिया में क्या होना चाहिए दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो पे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।